खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। अजनर थाना क्षेत्र की एक लड़की का आरोप है कि 1.5 साल से शादी के झांसा देता रहा और शोषण करता रहा। अब वो शादी से किया इनकार। इस संबंध में लड़की का कहना है कि मैंने थाने से लेकर जिले तक एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। मेरे साथ जो घटना हुई है, जो राजकुमार नाम का लड़का यहाँ पे आता था, उसकी चाची यहाँ पे रहती थी, तो वो यहाँ पे आता जाता था लड़का, तो उसने मुझे देखा होगा, तो उसे मेरे से बात करने का मौका नहीं मिला, तो वो मुझे देखते रहा है कि मुझे कब मौका मिलेगा, तब मैं इसके यहाँ पे जाऊँगा। तो एक दिन दोपहर 2 बजे का टाइम था, मैं दोपहर घर में अकेली थी, तो वो लड़का मेरे घर में घुसा और घुस करके मेरे से बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता था तुमसे बात करने का, इसलिए आज मुझे मौका मिला है तो मैं घर में घुस आया हूँ। तो उसने घर में घुस के मेरा हाथ पकड़ा, गंदी नियत करके हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले जाके बलात्कार किया। और मैंने उससे बोला, ओए रुक, मैंने वहीं खड़ा किया कि अभी तेरे नाम से मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही हूँ और सूचना कर रही हूँ पुलिस को। तो उसने मुझे शादी का झांसा दे करके बोला, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और तू मेरे खिलाफ़ कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। तो उसने मुझे रिपोर्ट दर्ज नहीं करने दी और शादी का झांसा दे दे के उसने 1.5 साल मुझे बिता दिए। और जब भी आता था यहाँ पे तो बलात्कार करके जाता था और शादी का झांसा देता था। मैं नोएडा जाती थी तो नोएडा भी जाता था, यहाँ पे आती थी तो यहाँ पे। घटना मेरे साथ यहीं अजनर में ही हुई है, और नोएडा जाती थी तो वहाँ पे भी चला जाता था। जब उसे कहीं 2-4 लाख रुपए मिलने लगे हैं, तब जाके वो बोले लगा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तब तक इसने अपना कहीं दूसरी जगह कर लिया मिलने के चक्कर में, अब वहाँ मिलना है इसको पैसा। यहाँ पे ऐसा है कि जो बेटा हल्दी का टीका दे देंगे, जो मिलेगा उसका तकदीर में होगा तो वो दे सकते हैं। इसी वजह से ये ड्रामा खोला। अब इनके पास में है पैसा, तो ये पैसे की वजह से दुनिया का राग कर रहे। मेरे पास तो लड़की है, लड़की जान देने के लिए खड़ा, तो मेरा तो घर बर्बाद हुआ ना। मान लो मेरे पास 6 हैं तो 6 प्यारी हैं, मैं तो भीख मांगी या मेहनत करी पाला है इनको, तो इसी वजह से लड़की का साथ में बहुत गलत हुआ है। तो गलत के वजह से मैं करने चाहती हूँ शादी वहीं। अब इसके बाद में इनका सास, वो मतलब माँ बाप कह रहे चाची चाचा के कोई ज़बरदस्ती से करवा देंगे तो इसको जहर दे के मार देंगे। क्या बोल रहे थे, क्या थाने वाले बोल रहे थे? थाने वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, हाँ हूँ कर रहे थे। तो हमने उनसे बोला है कि और आप कुछ सुनवाई हमारी करो ना, तो वो हमने कहा लड़के को बुलवाए, कह रहे थे हाँ आ जाएगा लड़का, और ठीक है तुम जाओ, ये लो हमारा नंबर, जब लड़का आ जाएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और इतना बोल के हम अपने घर कहने लगे जाओ, और हम अपने घर आ गए। फिर उनने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, ना कोई कॉल ना कोई फ़ोन, कुछ नहीं किया। थाने वालों ने? हाँ। किस थाने के? अजनर के थाने से। तो किस तारीख को आपने? तारीख 8 तारीख थी। फिर 8 तारीख से आप कहाँ कहाँ गए? 8 तारीख से मैम यहाँ सुनवाई नहीं हुई है, तब जाके मैं फिर आगे महोबा अध्यक्ष जी के पास गई हूँ, और उनने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उनने ये मेरे से बोला है कि आपके दोनों पक्ष वहीं पे बैठे हैं अजनर में, आप वहाँ जाइए। और मैं यहाँ आई हूँ, ना किसी ने बुलाया है ना कुछ, वहाँ से भी मुझे भेज दिया, वहाँ से भी मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। जब एक बार हम दोनों घर पे आए ना, इनसे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैं इधर आई तो मैं कहीं निकल गई बाहर, अचानक दोपहर में लड़का आया घर में था, तो मैंने देख लिया, कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने इन्हें बुलाया इधर साइड में, मैंने कहा दीदी ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम दोनों का मैटर ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं भी इतनी समझदार हूँ, समझ गई कोई बात नहीं। फिर मैंने घर वालों को, अपने गार्जियन लोगों को बताना चाहा, तो लड़का ही मुझसे बोलने लगा, देखो शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी के रूप में रहते हैं और हमने शादी कर ली है, और हम शादी सोनम से ही करेंगे, और तो मेरी सालियों में जल्दी शादी करूँगा, ऐसे बोलता था, मुझसे भी बोलता था, यही साझा देते रहा। फिर नोएडा में भी आता था, हमारे सामने भी आता था जी। और अब लड़के को कहीं दूसरी जगह मिलने लगे ज़्यादा पैसे, तो वो पैसे चक्कर में अब ऐसे कह रहे तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरे खिलाफ़ कहीं भी तुम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तुमसे शादी नहीं करूँगा, ऐसे बोल रहे हैं। मैं कुल पहाड़
क्षेत्र अधिकारी से बात करने के लिए आई थी, जो कि जब मैं यहाँ से बात की तो उनका कहना है कि हम बाहर हैं। इस मामले में बात करने के लिए आई थी कि अजनर थाना क्षेत्र की एक लड़की का 1.5 साल से ही शोषण हो रहा था। उन्होंने लिखित दरख्वास्त भी अजनर थाना में दी है, लेकिन जब मैंने अजनर थाना के मुंशी अवधेश से बात की, उनका कहना है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, लेकिन ये मामला अपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये बाहर का मामला है, इसमें जांच की जा रही है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।